एक बार एक प्रोफेसर ने क्लास में प्रवेश किया और अपने स्टूडेंट से कहा कि आज मैं एक सरप्राइज टेस्ट लूंगा। ये सुनकर सारे विद्यार्थी चिंतित हो गए। सब ये सोचने लग गए कि बिना तैयारी के ये टेस्ट जब देंगे तो हमारे खराब मार्क्स आएंगे। प्रोफेसर ने सभी विद्यार्थियों को एक एक क्वेश्चन पेपर दे दिया, जिसे देखकर सारे विद्यार्थी हैरान रह गए, क्योंकि उस प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न था ही नहीं। पूरा पेज कोरा था, एकदम सफेद, और बीचों बीच एक काला बिंदु था, एक छोटा सा काला बिंदु। प्रोफेसर ने कहा, आपको इस प्रश्न पत्र पर जो भी नजर आ रहा है उसके बारे में लिखो। विद्यार्थी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि उस खाली पेज के बारे में आखिर क्या लिखें। जैसे तैसे करके विद्यार्थियों ने अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा। टेस्ट खत्म हो गया और एक एक करके प्रोफेसर ने सभी विद्यार्थियों की कॉपियों को जांचा। प्रोफेसर ने देखा कि सारे विद्यार्थियों ने उस काले बिंदु के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। किसी ने उसके आकार के बारे में, किसी ने उसके काले रंग के बारे में, और न जाने क्या क्या बातें लिखी उस काले बिंदु के बारे में। सभी उत्तर पढ़ने के बाद प्रोफेसर ने कक्षा में अपने विद्यार्थियों से कहा कि आज के टेस्ट में मैं आप लोगों को कोई अंक या ग्रेड देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी विद्यार्थी ने क्वेश्चन पेपर के सफेद हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। सभी का ध्यान उस पेज पर बने काले छोटे से बिंदु पर ही क्यों रहा? क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे पास पूरा सफेद पेज है, लेकिन हम हमेशा उस छोटे से काले बिंदु के समान छोटी छोटी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। हमारा ध्यान वही टिका रहता है। ईश्वर ने हमें जीवन रूपी उपहार दिया है, जिसमें हमारे पास खुशियां मनाने के लिए कोई ना कोई कारण होता ही है, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी समस्याओं से हमेशा चिंतित रहते हैं और हम हमेशा उनके ही बारे में सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, जीवन में उस काले बिंदु का, इन समस्याओं का स्थान बहुत छोटा है, इसलिए अपना ध्यान उस काले बिंदु से हटा दीजिए और देखिए अपने सकारात्मक जीवन की तरफ, उस कोरे जीवन की तरफ देखिए जिसमें खुशियां ही खुशियां भरी हुई हैं, और सकारात्मक जीवन की राह में आगे बढ़िए। इसी आशा के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।